अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम B2B वेबसाइट से कैसे बायर्स फाइंड करते हैं आपको बताऊंगा। कुछ मैंने ओपन करके रखे हुए हैं लिंक, और इसके अलावा भी कुछ आपको सर्च करके बताऊंगा। और लास्ट वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप एंड तक सारी वीडियोज़ को देखिए। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने सर्च किया हुआ इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इनको नोट करके अपने पास रखना है और आपने सर्च करना है। जैसे ये सर्च बार है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं इसको, तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाती है। अच्छा, आपने इधर सर्च करना है तो आपके सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगी, ये वाली। अगर आप डेंटल का, इधर डेंटल, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो डेंटल की है, मैं डेंटल का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इसको सर्च किया तो ये आपके सामने रिजल्ट्स शो हुए हैं, ये वाले। अब इनको ओपन कीजिए और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए इधर इंडस्ट्रीज़ और कंट्रीज़ आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं। मैंने क्लिक किया उस पर तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही शो कर रहा है, बिज़नेस ट्रैवल। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अल्जीरिया। अगर इन सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे सामने एक ये सारा शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेजेस हैं, इन पे आप जाकर तो आप सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आपने इसको नोट करना है। अब नेक्स्ट जो है वो फॉरेन ट्रेड ऑनलाइन है, ये एक वेबसाइट है जिसमें कंट्रीज़ ऑल लिखा हुआ है। इधर मैं डेंटल इसको सर्च कर देता हूँ तो मेरे सामने डेंटल्स की कंपनीज आ जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी, ये यूनाइटेड, ये ग्रीस, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये सर पोलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, सभी कंट्रीज़, क्योंकि मैंने ऑल लिखा हुआ है तो ये सभी की आ जाएंगी मेरे सामने। और ये नेक्स्ट पेजेस पे आप जाइए तो आपको ऑल मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे ये देखिए और कंपनीज हैं। इसी तरह अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने इधर मेंशन करना है। अगर आप स्पोर्ट्स लिखते हैं, आप सर्च कीजिए तो स्पोर्ट्स की कंपनी आपके सामने, देखिए कितने फाउंड हुए, 689 कंपनीज आपके सामने ओपन हुई हैं। ये देखिए ये पेजेस हैं, ऊपर भी आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। ये देखिए फॉरेन ट्रेड ऑनलाइन, इसी के बाद आपने उसको नोट कर लेना है। और इसके बाद है ग्लोबल बायर ऑनलाइन, ये देखिए इसके, इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं सारी, ये एग्रीकल्चर के मतलब है, जो आपकी फील्ड है आप उससे रिलेटेड सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगी। अगर गारमेंट्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स है तो आपने सर्च किया और आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह ये आपके सामने ये ओपन हो गया है, और आपने इधर क्लिक कीजिए आप मोर डिटेल्स के लिए। तो ये वो, ये बायर कह रहा है कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं बायर से, सेंड कर सकते हैं ईमेल। इसी तरह आप और भी ओपन कर सकते हैं, ये फैब्रिक गारमेंट्स, ये सारा, ये देखें कंपनीज, ये सारी कंपनीज हैं क्योंकि ये बायर्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप इधर कुछ और कैटेगरीज को देखते हैं, हैंडबैग्स, तो फिर भी ये सामने, आपने ओपन करना है इनको, कुछ चीज़ें होती हैं और इन्हें रिक्वायरमेंट, आप कांटेक्ट बायर पे जाइए, ये कांटेक्ट पर्सन भी लिखा हुआ है, और सेंड ईमेल कीजिए। बांग्लादेश कंट्री है, ये कब की पोस्ट की हुई है, ये इंक्वायरीज आ रही हैं तो ये फ्री में आप इंक्वायरी, जैसे आप दूसरे अमेज़ोन, ई पे या अलीबाबा पे आप पे करके उसके बाद आपको इंक्वायरीज आती हैं, तो ये फ्री है, ये फ्री इंक्वायरीज वहाँ पर बायर्स की हैं, और आपने जस्ट इनको कॉन्टेक्ट करके तो आप उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं तो आपसे बातचीत होती है तो आप ऑर्डर ले सकते हैं। ये कंट्रीज वाइज भी, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, मलेशिया, कीनिया,
यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब इमारात, और ये नेक्स्ट पेजेस हैं। तो आप नोट कीजिए ग्लोबल बाइट्स ऑनलाइन। इसके बाद है ये डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड है, वहाँ पर आप नीचे आते हैं। तो और रीजन एंड कंट्रीज रहने दीजिए, अपनी प्रोडक्ट को आप सर्च कीजिए, फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये देखिए आपके सामने ये आ जाएंगे, आप इनको ओपन कीजिए, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो कंपनीज़ वगैरह का नेम वगैरह भी होगा, ज़ाहरी बात है सभी कुछ होगा। ये चिली की है, एक्सपोर्ट गाइड, गो टू थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे भी जाइए और आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, जब आपको समझ ना आए तो क्या कर रहे हैं आपने, तो आपने जस्ट कुछ वर्ड्स होते हैं आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट ये चीज़ लिखी हुई, इसको कॉपी पेस्ट करके ओपन कीजिए, ये एड्रेस लिखा हुआ है, इसको भी आप ओपन करेंगे तो आपको कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी गूगल से। इसी तरह बेशुमार हैं, आपने जस्ट इनको ओपन करना है। तो आप अपने रिलेटेड सर्च कीजिए, ये 41 रिजल्ट शो हुआ है अभी। तो आप अगर बैक जाते हैं, इधर आपने प्रोडक्ट अपनी लिखनी है तो आपने सर्च कर देना है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, आप इस तरह ये वेबसाइट इसको भी देख सकते हैं, एक्सपोर्टिंग इज़ ग्रेट। तो www.great.government.uk। अच्छा, जो ये नेक्स्ट है ये है यनी एक्सपो। अगर इस पे आप डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे ये ब्यूटी और एंड कॉस्मेटिक्स की है, तो आपने इसको ओपन करना है जस्ट। तो और जब आप ओपन करेंगे इसको तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी, आप नीचे जाते जाइए देखते जाइए। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप फिर भी इसको देख कर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कंपनी देखिए, ये सारा डिटेल इनकी लिखी हुई है, सोशल मीडिया इनका दिया हुआ है, ये कंपनी का नेम और सारा कुछ मेंशन है, तुर्की की ये कंपनी है। इसी तरह आप डिफरेंट अपनी कैटेगरी को देख कर आप कर सकते हैं इजीली। ये बैग्स एंड एक्सेसरी है, और देखिए जो आपकी कैटेगरी आप इनको देख कर, और पिक्चर को ओपन आपने जस्ट करना है, आपने जस्ट ओपन करके इसको, तो आप इनकी कंपनी को सारा रीड कर सकते हैं। और ये देखिए आपके पास, ये देखिए कंपनी नेम सारा कुछ आपके पास मौजूद होगा। ये देखिए ये कंपनी नेम है चाइना की, जी बिल्कुल ये चाइना की ही कंपनी है, शेंजेन। और इसी तरह आपने यनी एक्सपो इसको नोट कर लें, और इसको आप ओपन करके अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट बायर से। फिर इसके बाद एक्स मैप्स, ये एक वेबसाइट है, और यहाँ पर फाइंड बायर्स आपने करना है या सेलर आपने ढूंढने हैं, वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस, तो रिपोर्ट्स वगैरह होंगे इसमें। तो अगर आप लिखते हैं डेंटल, तो आपने इसके बाद क्या करना है, सॉरी आपने लिखा डेंटल, आपने इसको ऐड करना है, ये एक टैग की शक्ल में होगा, आपने नेक्स्ट करना है। जो ही आपने नेक्स्ट किया तो आपके सामने जो डेंटल के बायर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये एक मैप है, क्योंकि मैप्स की शक्ल में है, ऑलरेडी कंपनी जो वेबसाइट है वो बता रही है आपको जो नेम है उनका एक्स मैप्स। तो आप ऐसे ही ये नक्शे पर करेंगे, इस तरह घुमाएंगे, तो ये कनाडा में 7 है, इधर आपने क्लिक किया तो एक तो आपके सामने शो हो रहा है। अब नेक्स्ट आप करेंगे तो आपको ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, आप लॉगिन आपने करना है इसमें, लॉगिन करने के बाद आपको ये फुली डिटेल्स मिल जाएगी। thedollarbusiness.com, इसको आप नोट कर लीजिए, जस्ट आपको बताया कि आपने नोट करते जाना है और आप सर्च करते रहेंगे तो आपको इजीली
इंशाल्लाह आप अच्छी 100% रियल बायर्स आप ढूंढ सकते हैं इस तरह सर्चिंग करके। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट है ट्रेड अटलस। अगर आप इसको सर्च करते हैं, सर्च इस पर ये है, ये प्रोडक्ट नेम है, इधर डेंटल, अगर मैं लिखता हूँ सर्च करता हूँ तो हमारे सामने ये कंपनीज आ जाएंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपको इनसे इंपोर्ट लिस्ट लेनी पड़ेगी। जब भी ऐसा आपके सामने आए कि पहला उन्होंने शो किया हुआ है लेकिन उसके बाद सब कुछ हाइड कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने इनको पे करके ये देखिए और फिर इनसे ये लिस्ट ले सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ये 8,234 शो हुई हैं, तो ये कंपनीज हैं और इन्होंने ये पहली इंडिया की कंपनी को शो किया है, ये डांस प्ले और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपने इनको पे करना है और पे करके आपने लिस्ट मंगवानी है तो आप मंगवा कर, तो आप रियल बायर्स होंगे, 100% रियल बायर्स होंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और एक अच्छी डीलिंग्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अलीबाबा पे। जैसा कि अलीबाबा पे ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा हुआ है इनको, और इस पे सर्च करने का ये जो तरीका है ना, ये बहुत चंद लोगों को पता है इसका, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो पहले लिखिए, उसके बाद प्लस का साइन डालिए, उसके बाद आपने किस कंट्री को देखना है वो लिखिए, उसके बाद आपने बायर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, शॉप्स, आपने जो भी कीवर्ड्स हैं वो इधर आपने डालकर आपने सर्च करना है। तो ये आपके सामने जैसा कि मैंने बायर्स लिखा हुआ है, तो ये बायर्स हैं, ये जितनी भी कंपनीज हैं, तो आप ओपन करके इनका कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि सारा कुछ डिटेल इन्होंने लिखी होती है। अगर नहीं तो फिर जस्ट आप कंपनीज का, ये कंपनी है इसका, इसको कॉपी पेस्ट करके आप कॉपी और आप इधर पेस्ट करके इसकी वेबसाइट पे जाकर तो आप देख सकते हैं सारा इसका डाटा आप इंस्टॉल करके उधर से, तो आप डाटा कलेक्ट करके तो आप अपने पास सेव रखिए और मेल करते जाएंगे। नेक्स्ट ट्रेड की। अच्छा, मोस्टली ये शो होता है जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपको ये चीज़ आपके सामने शो होगी, आपने सारा कुछ मेंशन करके आप इनको फ्री आप लिस्ट बना सकते हैं, फ्री ज्वाइन करके आप इनको, क्योंकि पे अभी प्रीमियम आपको मैंने बताया ही नहीं, आप फ्री घर बैठ के बायर्स 100% रियल बायर्स आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे इधर मैंने स्पोर्ट्स सर्च किया हुआ है, बायर्स हैं, तो इधर कैटेगरीज हैं, सप्लायर आपने ढूंढ रहे हैं या बायर्स है, तो हम बायर्स ढूंढ रहे हैं, तो आपने बायर्स को सिलेक्ट किया, आपने सर्च किया, क्लिक करते हुए आपने फिर स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा तो आइए आपके सामने सारी कंपनीज आ जाएंगी, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान और बेशुमार, आयरलैंड, ताइवान। इसके बाद नेक्स्ट पेजेस भी हैं, आप इन पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे बेशुमार, आपके सामने ये सर्च आ गई है। अब देखिए कि बाय ऑफर्स है, ये सर्च जो शो हुई है हमें, ये देखिए 9,300 ये ऑफर्स हैं कि वो चाहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये बायर्स हैं, रियल बायर्स हैं और आप कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, प्रोवाइड कीजिए। तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए और ऑर्डर लीजिए। जो B2B वेबसाइट्स आपको बताई हैं मैंने, आपने इनको नोट करके इन पर सर्च करनी है, डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज़ करके आप सर्च कीजिए, आपको बेशुमार लिस्ट मिल जाएगी। आप डाटा कलेक्ट कीजिए और सेव कीजिए और इन्हें ईमेल्स करते रहिए, इनसे सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इन्हें ईमेल्स कीजिए और इनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, कॉल कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ अब्दुल रहमान और आप देख रहे थे बिजनेस ट्यूटोरियल्स, और लाइक कीजिए वीडियो को ताकि मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट एक बेस्ट कॉन्टेंट आपके लिए लेके मैं आऊँ, और इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब कीजिए और टच में रहिए, बिजनेस ट्यूटोरियल्स को देखते रहिए आप।